feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. और अब बारी है हमारे स्क्रोल ऑफ ऑनर की. उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से कि वो मंच पर आएं, और मैं साथ ही गुजारिश करूंगा श्री शशि रंजन जी से कि वो भी उनके साथ मंच पर आएं. इंडियन टेलीविजन एकेडमी की ओर से एक खास अवार्ड अनाउंस करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है. इस अवार्ड को अनाउंस करने से पहले मैं बहुत बहुत इंडियन टेलीविजन एकेडमी को और ख़ासकर श्रीमती अनुरंजन और शशि रंजन को बधाई देता हूं इस टेलीविजन एकेडमी के ग्रोथ के लिए, बिलीवेबिलिटी के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए. इतने कम सालों में इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आपका सहयोग है, आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आज सिर्फ इंडियन टेलीविजन एकेडमी ना सिर्फ फल फूल रहा है, बहुत विकसित हो चुका है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त मुकाम पे पहुंच चुका है. आप तमाम लोग बधाई के पात्र हैं, और जिस खास कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया यहाँ पर, इंडियन टेलीविजन एकेडमी उन लोगों को ख़ास महत्व देती है, उन लोगों को बहुत प्यार देती है, नाम देती है, मान देती है, सम्मान देती है, वैसे लोगों का जिनका ज़बरदस्त योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, या यूं कहें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. वैसा ही एक नाम, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है, फिल्म उद्योग के मामले में, फिल्मों के मामले में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मामले में, उसके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, श्रीमान आदरणीय रामानंद सागर को. रामानंद सागर जिन्होंने न सिर्फ अपनी लेखनी से, अपने निर्देशन से, अपनी फिल्मों से देश का भरपूर मनोरंजन किया है, देश को फिल्मों के माध्यम से नई दिशा देने की कोशिश की है, लेकिन नई दिशा देने में ज़बरदस्त तरीके से कामयाब होने में, ख़ासकर टेलीविज़न के मामले में, जो योगदान रामानंद सागर का है शायद ही किसी और का होगा. और ख़ासकर उनका रामायण, रामायण की ही उपज और रामायण की ही देन, मैं कहूँ अतिशोक्ति नहीं होगी, पूरा फिल्म उद्योग तो अगर ना भी कहूँ तो टेलीविज़न उद्योग जो है वो रामायण की उपज है. वो रामायण घर घर में शांति, प्यार के साथ, सम्मान के साथ लोगों का देखना, ट्रेन्स का रुक जाना, ऑफिस में कामकाज का थम हो जाना, पॉलिटिकल राजनीतिक मीटिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में टेलीविज़न सेट का रख दिया जाना,
और कार्यक्रम उस वक्त शुरू नहीं होने देना जिस वक्त रामायण चल रहा हो। ऐसा अभूतपूर्व दृश्य पहले कभी भी देखने को नहीं आया। अगर मैं कहूं तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह तुलसीदास को या वाल्मीकि जी को या तुलसीदास को रामायण का रचयिता कहा जाता है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर रामानंद सागर को आज के युग का तुलसीदास कहा जाए तो, और ऐसे तुलसीदास को, ऐसे रामायण के रचयिता को, ऐसे निर्माता निर्देशक को, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज हम यहाँ सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं हीरो होंडा के प्रथम हीरो पीएन मुंजाल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे आए और रामानंद सागर साहब को सम्मान दें, मान दें जिसके वो हकदार हैं, जिसे वो डिजर्व करते हैं। My only strength was pen, my writing. Said or talked about the work that has been done, I take no credit for that. Subhash ji, Jyoti ji, aaiye. यदि मुझे कहा जाता कि मैं रामानंद जी के बारे में कुछ कहूं तो जो शत्रु जी ने कहा मैं उससे एक दसवां भी हिस्सा न कह सकता था, हालांकि मेरा उनके बचपन से बहुत क्लोज का रिश्ता है। परंतु ये आर्टिस्ट हैं और को आर्टिस्ट हैं, इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही लफ्ज़ों में रामानंद जी को, दुनिया उनको तुलसीदास कहती है, आज का तुलसीदास, उन्होंने तुलसीदास बन के दिखाया है। सुभाष जी, ज्योति जी, आइए। देश देश के भेस भेस के प्यारे मंजर, बहुत दूर के मंजर, पल में बदलते मंजर, तरह तरह के रूप रूप के सारे मंजर, लोगों के खुशियों के और खेलों के मंजर, जलसों के जुलूस के और मेलों के मंजर, दुख की बातें सुख की बातें, हाँ
दोस्तों, पूज्य पिताजी आज आपके पास नहीं आ सके। हम लोग तो क्या उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। कहाँ वो सूरज, कहाँ हम दीपक। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कहते हैं कि जो इस मुकाम पे मैं हूँ वो आपकी मेहरबानी, आपके प्यार, आपके सहयोग और आपके मार्गदर्शन के कारण हूँ। इसलिए हम, हमारा परिवार आपका ऋणी। कुछ लोग अपनी जबान से खाते हैं और कुछ लोग अपनी जबान की खाते हैं। ओह गॉड, फिर से आप नेताओं वाला कोई इडियोटिक जोक क्रैक करेंगे और क्या। अरे स्मृति जी, मेरी क्या मजाल कि मैं नेताओं के बारे में कुछ, वैसे भी बहुत कुछ कहूंगा इस शो में। आइए देखते हैं बेस्ट एंकर टॉक चैट शो के नॉमिनीज कौन है। मिस्टर रजत शर्मा, आपकी अदालत। मिस्टर हर्षा भोगले, हर्षा अनप्लग्ड। करण जौहर, कॉफी विद करण। एंड मिस्टर प्रभु चावला, सीधी बात। एंड द अवार्ड गोज टू, द अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर टॉक चैट शो गोज टू मिस्टर प्रभु चावला फॉर सीधी बात। आपका कहना अब ये है, स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड, कि या तो आप सीबीआई, ऐसा कुछ नहीं, हमने सवाल तो होने दीजिए ना। हाँ। कि आपका स्टैंड, मैं ये मान करके चलूं कि सीबीआई या तो केस आपके विड्रॉ करे, नहीं तो आप सपोर्ट विड्रॉ कर लें। जमाना था जब घर के बड़े कहते थे कि हमेशा टीवी देखते रहते हो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पर आज देखिए, यही टीवी लोगों को करोड़पति बना रहा है। हाँ, तुम्हें और मुझे भी। अरे सॉरी, आईटी डिपार्टमेंट सुन रहा होगा। मतलब मेरा मतलब यह है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति पर जाकर 1 करोड़ रुपए जीतना चाहता हूँ। जाइए जाइए, वैसे आजकल ऑडियंस में भी तो कुछ सीटें। हाँ, तुम्हें भी देखा था मैंने वहाँ। वैसे तुम ऑडियंस में भी उतनी ही हॉट लग रही थी जितनी हॉट सीट पर। माय गॉड, इट्स गेटिंग वेरी हॉट इन हियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेस्ट गेम शो क्विज शो अवार्ड का हकदार कौन है। एंड द नॉमिनीज आर ब्लफ मास्टर सिद्धार्थ बासु, ड्रीम जॉब हर्षा की खोज ESPN स्टार स्पोर्ट्स, ही मैन कॉन्टिलो फिल्म्स लिमिटेड, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय, सिनर्जी एंड स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड द विनर इज, and the best game quiz show award goes to somebody who all of us know has no competition, kaun banega karodpati duty। is the right answer, well played Abhishek, bahut bahut badhai aapko। बताइए, दुनिया में वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब बड़ी मुश्किल से मिलता है? सबसे मुश्किल सवाल है तो पत्नियां ही पूछती हैं स्मृति, घर लौटने पर। क्यों जी, इतनी देर क्यों लगी, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे,
बीवियों से ज़्यादा मुश्किल सवाल मुझे नहीं लगता। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से इनसे भी ज़्यादा मुश्किल है वो सवाल जो हमारे गेम शोज में आते हैं। मुझसे पूछिए, दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड ने मेरी इतनी बड़ी राशि को इतना सा कर दिया था। नहीं, कुछ भी हो स्मृति, बीवियों से ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल तो कोई नहीं पूछ सकता, बच्चन साहब भी नहीं। ऐसे शोज में कम से कम लाइफ लाइन तो मिलती है, बीवियों के सवालों के आगे तो लाइफ ही लाइन पर लग जाती है। खैर आगे बढ़ो, बताओ। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साल के बेस्ट एंकर गेम क्विज कौन है, लेकिन इससे पहले इस कैटेगरी के नॉमिनीज अनु कपूर एंड पल्लवी जोशी इन अंताक्षरी, डेरेक ओब्रायन इन कैडबरी बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, शेखर सुमन इन ही मैन, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। बेस्ट एंकर गेम क्विज शो goes to Shri Amitabh Bachchan. Namaste, good evening, aadab, sat sri akaal, yaaro sunao, kaise hain aapke haal? Naam hai mera dosto, Amitabh Bachchan. Aaya hoon nibhane ko apna diya vachan and believe it or not, I'm back! I'm too small to be the big B, but on his behalf, thank you very much. Thank you, Smita ji. Thank you, Shashi ji. Namaskar, mera naam hai Varun Badola. Namaskar, main hoon Rajeshwari Sachdev Badola. India is a land of festivals. Agar aap log Hindi calendar utha kar dekhein, तो 365 के 365 दिन हिंदुस्तान में एक पर्व होता है। अब सब तो नहीं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे त्यौहार मनाने का प्रबंध हम लोगों ने यहीं पर किया है। तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हैंडसम विकास सेठी, ड्यूड गौतम, गॉर्जियस करिश्मा तन्ना एंड ब्यूटीफुल तस्नीम शेख टू शेक यू ऑल। So far, it's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. We are celebrating the creativity and the success of the television fraternity. और सबसे पहले अतिथि का सत्कार। तो अब चलते हैं सीधा अपने पहले अवार्ड पर, जो कि हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं, और वो अवार्ड है फॉर द बेस्ट फॉरेन चैनल। And the nominees are AXN, BBC, HBO, and Star Movies. And may we please call upon Mridal Kulkarni, Mr. Dheeraj Kumar, and Mr. Vinay Apte to do the honors, please. Well, the Hero Honda Indian Television Academy Awards 2005 for the best foreign channel in a popular category goes to BBC. और वो एक जमाना था जब पति पत्नी के बीच का वो एक जीता जागता इंसान हुआ करता था। लेकिन हमारी एक दोस्त हैं जिन्होंने की शादी जिस दिन की थी उस दिन इस बात का ख्याल रखा था कि हिंदुस्तान का कोई भी क्रिकेट मैच ना हो। अगर उस दिन क्रिकेट मैच होता तो उनके पति का शादी पे पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि गए सालों में टेक्नोलॉजी के बदलते हुए और वक्त के बदलते हुए उस वो की जगह सचिन तेंदुलकर के स्ट्रेट ड्राइव्स ने, सानिया मिर्जा के फोरहैंड्स ने और एमएस धोनी के लॉफ्टर शॉट्स ने ले लिए। ये पावर है स्पोर्ट्स की, और ये सारा का सारा श्रेय जाता है हिंदुस्तान में चलने वाले सारे स्पोर्ट्स चैनल्स को।
तो विद ऑल हिज लव एंड अफेक्शन वरुण बडोला वुड लव टू अनाउंस द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स चैनल डेफिनेटली एंड द नॉमिनीज आर टेन स्पोर्ट्स ESPN एंड स्टार स्पोर्ट्स एंड द अवार्ड गोज टू वेल द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स चैनल गोज टू ESPN बच्चों के टेलीविजन देखने की बात होती है तो वी सी अ बंच ऑफ पैरानॉइड पेरेंट्स कि बच्चों को कितना टेलीविजन देखने दें क्या देखने दें किस तरह की प्रोग्रामिंग है बच्चों के पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है द किड्स जस्ट ग्रो बियॉन्ड देयर टाइम लेकिन बच्चों को टीवी ना देखने देना शायद इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं है बच्चों का टीवी देखना बहुत जरूरी है जिस तरह की इंफॉर्मेशन आज टेलीविजन पर मिलती है मेरे ख्याल से वो सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं वो सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है लेकिन फिर ये डिसाइड कैसे किया जाए कि बच्चे कौन सा चैनल देखें किस तरह के प्रोग्राम्स देखें और क्या उनके लिए सही प्रोग्राम्स और सही चैनल्स बने भी हैं या नहीं सो ऑल वी नीड फॉर चिल्ड्रन टू वॉच इज अ चैनल विच हैज अ लॉट ऑफ होलसम एंटरटेनमेंट फन एंड इंफॉर्मेशन इसी राह पर कुछ साथी चल पड़े हैं सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस चैनल द नॉमिनीज आर कार्टून नेटवर्क डिज्नी चैनल हंगामा टीवी पोगो And the award goes to? Best Children's Channel. The award goes to Cartoon Network. Music is food for the soul. And music videos are a feast for the eyes. So, the Best Music Channel Award. The nominations are? Channel V. ETC. MTV. Zee Music. And the award goes to? Best Music Channel in popular category. Award goes to MTV. देश देश के भेस भेस के प्यारे मंजर बहुत दूर के मंजर पल में बदलते मंजर तरह तरह के हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्रेट फिल्म मेकर्स ने ना सिर्फ ग्रेट फिल्म्स दी हैं बल्कि बहुत ग्रेट मोमेंट्स भी दिए हैं तुम्हारा नाम क्या है बसंती इज नॉट अ डायलॉग इट्स अ मोमेंट आज मेरे पास गाड़ी है बिल्डिंग है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है मेरे पास सेट मैक्स स्टार गोल्ड और जी सिनेमा है एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट हिंदी मूवी चैनल द नॉमिनेशंस आर सेट मैक्स स्टार गोल्ड एंड जी सिनेमा एंड द अवार्ड गोज टू एंड द अवार्ड गोज टू बेस्ट हिंदी मूवी चैनल इन अ पॉपुलर कैटेगरी जी सिनेमा बहुत दूर के मंजर पल में बदलते मंजर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद ITA has been putting together fantastic events like this for the last 5 years consecutively I think they are doing a wonderful job the television industry has grown you know miles and miles in the last 12 or 13 years that we are at And I personally think that the industry is going to grow like a volcano.